नमस्कार, आप देख रहे हैं पीबी 100। मैं हूं आपके साथ पूनम तागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। मेरठ छावनी परिषद में सीबीआई की दिल्ली टीम ने छापा मारा। इस दौरान सीबीआई ने एक सफाई सुपरवाइजर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बता दें कि छावनी परिषद में सफाई कर्मचारियों को संविदा पर रखने के लिए सुपरवाइजर अवैध धन की मांग कर रहा था। साथ में पदोन्नति की भी शिकायत सच संस्था के अध्यक्ष संदीप पहल ने सीबीआई के कार्यालय में की, जिसके बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए सीबीआई की टीम ने मेरठ छावनी कार्यालय पर नजर रखी। इसके बाद सुपरवाइजर संजय को अवैध धन की मांग में ट्रेस किया गया और 2 घंटे पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हम इस खैर मेरठ छावनी परिषद में बताते हैं कि कल देर रात जो है यहाँ पे सीबीआई की टीम ने छापा मारा था। एक कर्मचारी साहब ने हमारे साथ यहाँ के सीईओ अधिकारी हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या मामला था। सी साहब, आपका ट्यूनमेट स्वागत है। सीबीआई टीम ने छापा मारा था, किसे यहाँ ले गए थे, किन कारण से? देखिए, कल लगभग शाम में 4:30-5 बजे सीबीआई की टीम मेरे ऑफिस में आई और उन्होंने ये बताया कि हमारा एक सैनिटरी ओवरसियर है संजय कुमार नाम का, उसको रेड हैंडेड पकड़ने के लिए उन्होंने ट्रैप लगाया है, जो कि 4-5 दिनों से वो उसके पीछे लगे थे। उनके पास कहीं शिकायत आई थी कि वो किसी से पैसे, कच्चों की भर्ती कराने के लिए कुछ पैसे वो मांग रहा है। इसी शिकायत पे कार्रवाई करते हुए सीबीआई कल हमारे ऑफिस में आई। मैं भी उस समय अपने ऑफिस में ही मौजूद था जब वो आए और हमारे ऑफिस ने पूरा उनका सहयोग किया। फिर संजय कुमार जो सैनिटरी ओवरसीयर है, उनको उन्होंने अरेस्ट किया देर रात काफी पूछताछ करने के बाद और ऑफिस ने पूरा सहयोग सीबीआई की टीम को दिया। एक उम्र ये भी थी कि ये है कि आप जो है घर पर नहीं मिले थे, घर पर भी आपको सीबीआई टीम का मेरे घर पे आने का कोई मतलब नहीं है। वो मैं चूंकि मैं तो ऑफिस में ही मौजूद था और ऑफिस में ही सीबीआई टीम के साथ पूरा सहयोग कर रहा था और सीबीआई टीम को सारा सहयोग प्रोवाइड कराने के बाद मैं अपने घर चला गया। साफ कहना है कि मैं यहाँ पर ऑफिस में मौजूद था जिस टाइम से जो भी सहयोग किया, बाकी की जो बात है वो सब जांच के बाद ही पता चल पाएगा। कैमरा निगेश के साथ राम मोटिव। खबर यूपी के बलिया से है, जहां प्राथमिक विद्यालयों की हालत काफी ज्यादा खराब नजर आ रही है। विद्यालय में कहीं पर पानी भरा है तो दूसरी ओर खराब सड़कें। इतना ही नहीं, शिक्षा के मंदिर में शराब की बोतलें पाई जा रही हैं। इन सबके बावजूद भी सरकार मामले में ध्यान नहीं दे रही है। उत्तर प्रदेश के बलिया की तस्वीरें हैं, जहां प्राथमिक विद्यालयों की हालत हद से ज्यादा खराब हो गई है। बता दें कि विद्यालय में जगह जगह जल भराव हो गया है, विद्यालयों में शराब की बोतलें भी मिल रही हैं और सरकार मामले में ध्यान नहीं दे रही। विद्यालयों में शराब की बोतलें भी देखी जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया के प्राथमिक विद्यालयों का ये हाल है, जहां जगह जगह स्कूल में, विद्यालय में जल भराव हो रहा है और सड़कें भी ऊबड़ खाबड़ हैं। तो वहीं स्कूल में देखिए किस तरह से शराब की बोतलें देखी जा रही हैं। मैं प्रभारी प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय कर्णपुरा। सर, ये समस्या जो है बहुत दिनों से चली आ रही है रास्ते का, इसमें बच्चे आने जाने में बहुत परेशानी है बच्चों को और ये रास्ता विवाद में भी फंसा हुआ है और इसका बहुत बार जो है नापी जोखी भी हुआ, लेकिन ये रास्ता सुधार पर नहीं है। हमने ग्राम प्रधान को सूचित किया है, इसके बारे में ग्राम प्रधान से बात भी की है और वो कहे कि समय आने पर जो है इसका सुधार कर दिया जाएगा। हम ग्राम सभा बरिया का प्रधान हूँ, भाषचंद्र जी। वो विवादित है सर, जो बगल वाले हैं ना रायसा है, वहाँ विवाद पैदा कर रहे हैं। कानूनी विवाद हम कहाँ समझा पाएंगे? हम एक प्रधान जरूर हैं, हम तो सोचते हैं कि जैसे विकास हो हम करवाने के लिए तैयार हैं। हम सोचते हैं कि जल्दी से वो काम बन जाए। वहाँ इतने बच्चे परेशान हैं, टीचर परेशान हैं और उसका हम काम निर्माण करा दें अच्छा विद्यालय का, लेकिन वहाँ जाने के रास्ता विवादित की वजह से हम कुछ नहीं करा पाते हैं। कदम यही उठाएंगे। हम सोच रहे कि अभी एडीएम साहब को हम लिख कर कोई लेटर दें अपने माध्यम से। मुझे डर भी लगता है भाई, लोग बड़े लोग हैं, हमें गरीब प्रधान जरूर हैं, हमारा सीट है, हम चुनाव लड़ गए, जनता हमको दी ही समर्थन दी, हम जीत गए, लेकिन हम दबंग किस्म के लोग हैं, इसे थोड़ा मुझे भय रहता है, लेकिन भय के कौन टेंशन बहुत ज़्यादा नहीं है, हम उसको कराएंगे सरकार।
यूपी के जालौन में शौच के लिए गई 7 साल की बच्ची का नाले में डूब गई। यह हादसा पैर फिसलने की वजह से हुआ। इस घटना के बाद से परिवार में हड़कंप मच गया। वहीं स्थानीय गोताखोरों की मदद से बच्ची की तलाशी की जा रही है। 7 साल की बच्ची शौच के लिए घर से बाहर निकली थी, उसके बाद पैर फिसलने की वजह से तालाब में डूब गई। पैर फिसलने से हादसा हुआ है। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी लगातार बच्ची की तलाश की जा रही है। स्थानीय गोताखोर तलाशी कर रहे हैं, तो वहीं मौके पर प्रशासन भी पहुंच गया है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जालौन का है, जहां 7 साल की बच्ची शौच के लिए घर से बाहर निकली थी और पैर फिसलने की वजह से तालाब में डूब गई। तो वहीं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही अलीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसके बाद वो जिले में साफ सफाई का निरीक्षण करने निकले। इसके बाद उन्होंने हैबिटेट सेंटर का निरीक्षण किया, जिसका कल सीएम योगी उद्घाटन करेंगे। वहीं कुछ जगह कमियां मिलने पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। इस मौके पर विधायक अनिल पाराशर की लेट लतीफी देखते हुए उनकी भी जमकर क्लास लगा डाली। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश में आई बाढ़ के राहत कार्यों की समीक्षा भी की। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये निर्णय किया गया है कि मंत्री समूह अपने प्रभार के मंडलों में जाएंगे और वहाँ पर अतिवर्षा और बाढ़ की वजह से जो क्षति हुई है उसके संदर्भ में और साथ में राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे। तो इस दृष्टि से मैं आज अलीगढ़ आया हूँ और अभी थोड़ी देर में कासगंज जाऊँगा। सुबह के समय मैंने नगर का भ्रमण किया है और बाढ़ अतिवर्षा की वजह से जो कठिनाइयाँ अलीगढ़ नगर को हुई हैं उससे वाकिफ हुआ हूँ मैं, और उस संदर्भ में उसके समाधान के लिए कार्रवाइयाँ की जाएगी। यूपी के लखीमपुर खीरी में ग्रामीणों ने टूटी सड़कों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाए कि कई साल बीत जाने के बावजूद यहां कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, जिसको लेकर लोग आज भी झोंपड़ियों में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। गांव वालों का कहना है कि वो अपनी मांगों को लेकर कई बार स्थानीय विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का है, जहाँ गाँव के विकास की तस्वीर बदतर बनी हुई है। टूटी सड़कों से ग्रामीण परेशान हैं, जल भराव से जीवन दुश्वार हो गया है। सालों से यहां किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं किया गया और विकास कार्यों की अनदेखी से नाराज ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। समस्या ये है कि मेरे गांव में कोई विकास नहीं हुआ और ना तो कोई मतलब मेरी बात सुन रहा है, और प्रधान जी से कहते हैं तो ना तो कुछ कहते हैं ना कुछ मतलब बताते हैं, और मैं उनसे कहता हूँ तो कहते हैं हो जाएगा। कौन है प्रधान आपके यहाँ? सीता देवी। अच्छा, किस तरीके के विकास कार्य नहीं हुए आपके यहाँ? ना तो कोई आवास आई है, ना कोई सड़कें बनी है, और ना तो कोई नालियाँ बनी है, ना तो कोई मतलब शौचालय है कुछ। यूपी के सीतापुर में डिप्टी सीएम राजेश पाठक के काफिले की 3 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसमें 3 पुलिसकर्मी और 8 स्वास्थ्यकर्मी घायल हो गए। इसके बाद सभी को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि डिप्टी सीएम का काफिला सीतापुर से लखीमपुर जा रहा था। इस दौरान आपसी समन्वय की कमी के चलते MLA शशांक द्विवेदी, एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियाँ आपस में टकरा गई, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।